साइंस डीआर डॉट आर के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरी धरती पर गेहूँ सबसे ज़्यादा उपजाई जाने वाली फसल है और हमारे ये रोज़ के खाने का हिस्सा है, या यूँ कहें ये स्टेपल डाइट है। लेकिन किसी किसी को अगर गेहूँ से एलर्जी हो जाए तो एक बीमारी पैदा हो जाती है जिसको अपन कहते हैं सीलिएक डिजीज। तो आज गेहूँ से होने वाली एलर्जी के बारे में अपन जानेंगे। तो सबसे पहले की बात यह है कि करीब 1% पॉपुलेशन के लोगों को या 1% लोगों को गेहूं से एलर्जी हो जाती है। तो ज़्यादातर ये 0 से 20 साल तक, मतलब पैदा होने से 20 साल तक गेहूं से एलर्जी के क्लासिकल लक्षण दिखते हैं, और यूँ तो ये 70 साल की उम्र तक हो जाती है, लेकिन 20 साल के बाद में नॉन क्लासिकल टाइप की डिजीज दिखाई देने लगती है। मतलब टिपिकल जो डिजीज है वो बच्चों में ही दिखाई देती है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं सीलिएक डिजीज है क्या। तो सीलिएक डिजीज है एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें अपने शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी खुद की सेल है उन्हीं को टारगेट कर देता है या उन्हीं को ही नुकसान पहुंचा देता है। फिर दूसरे नंबर पे जो सीलिएक डिजीज है, जो गेहूं, जौ, राई और ओट, इनमें पाई जाने वाली एक प्रोटीन होती है ग्लूटेन प्रोटीन, उसके लिए शरीर इंटॉलरेंट हो जाता है या उसे एलर्जी हो जाती है। तो इसको अपन सीलिएक डिजीज कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मान लो किसी को सीलिएक डिजीज है तो साथ में और उसको दूसरी ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकती है, जैसे टाइप 1 की डायबिटीज है या थायराइडाइटिस है, ऐसी तरह की बीमारी उसको साथ में हो जाती है। दूसरा क्या होता है सीलिएक डिजीज में, क्या होता है? तो जो आंतों की जो म्यूकोजा है उसमें ब्लाइज है, उनको धीरे धीरे वो नष्ट हो जाते हैं, और जो शरीर की जो सोखने की क्षमता है, पोषक तत्वों को सोखने की क्षमता है, वो उसकी कम हो जाती है। तो ऐसे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। फिर उसके बाद ये वंशानुगत परेशानी भी है, जैसे जिनको जीन्स डिफेक्ट होते हैं, HLA-DQ28 नाम के जीन्स डिफेक्ट हो जाते हैं, उससे बीमारी वंशानुगत होती है, जिसमें ये जीन्स होते हैं HLA टाइप के जो जीन्स होते हैं उनमें ये 10% केसेज में ये बीमारी पाई जाती है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि क्या लक्षण हो जाते हैं। मान लो किसी को गेहूं से एलर्जी हो गई या सीलिएक डिजीज हो गई तो उसको क्या परेशानी आएगी। तो अपन ने पहले ही जाना था कि बच्चों में ये ज़्यादा कॉमन है। तो बच्चों में क्या होगा कि उसकी बढ़त रुक जाएगी और उसको भूख नहीं लगेगी, खून की कमी हो जाएगी, बच्चे को थकान हो जाएगी। फिर क्या होगा, पेट में क्या खराबी होगी? तो जैसे ही वो गेहूँ से बनी चीज़ें खाने लगता है, वैसे उसको दस्त होना, बदबूदार दस्त होना, दस्त बहुत ज़्यादा टूट के जाना, पेट में मरोड़ चढ़ना, अफरा आ जाना, ये लक्षण बड़े में भी हो सकते हैं, बच्चों में नहीं, बड़े लोगों में भी, ये एडल्ट्स में भी ऐसे लक्षण हो सकते हैं। फिर उसके बाद अपन ने जाना था कि जो म्यूकोजा नष्ट होने लग जाती है इंटेस्टाइन की, आंतों की म्यूकोजा नष्ट हो जाती है तो पोषक तत्व शरीर सूख नहीं पाता है, तो उससे खून की कमी आ जाती है, या फैट सोल्युबल जो विटामिन हैं ED, EK जो विटामिन हैं उनकी कमी हो जाती है, जिंक की कमी हो जाती है, सेलेनियम की कमी हो जाती है, ऐसे पोषक तत्वों की शरीर में कमी हो जाती है, तो उनके लक्षण फिर आने लगते हैं। फिर उसके बाद में है नॉन क्लासिकल लक्षण, जैसे चमड़ी में खराबी आना या ब्रेन में खराबी आना, ऐसे तरह के लक्षण भी आते हैं। फिर मान लो जैसे अनट्रीटेड रह जाए, मान लो इसका इलाज नहीं हो तो क्या होगा, तो बहुत कम परसेंटेज में कई लोगों को आंतों का कैंसर डेवलप हो जाता है, आंतों में घाव हो जाते हैं और कभी कभी हड्डियों में परेशानी आ जाती है, हड्डियों कमज़ोर हो जाती हैं तो हड्डियों में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो जाते हैं। फिर अपन ये जानते हैं कैसे पता लगे कि किसी को गेहूं की एलर्जी हो गई है या सीलिएक डिजीज हो गई है। बस सबसे बड़ी परेशानी यही है कि बीमारी का पता ही नहीं लगता है। कई बार तो बीमारी का पता लगते लगते 12 साल बीत जाते हैं, या 20% केसेज को ही पूरी लाइफ में डिटेक्शन हो पाता है, मतलब 20% लोगों को ही पता लग पाता है, 80% लोग बिना डिटेक्टेड ही चले जाते हैं, बिना डिटेक्टेड ही रह जाते हैं। फिर उसके बाद में जो दूसरी चीज़ें पता लगाने की जो चीज़ है वो है एंटीबॉडीज। तो जो IgA टाइप की एंटीबॉडी हैं, anti-TTG जो एंटीबॉडी हैं उनका डिटेक्शन होता है। फिर उसके बाद में anti-EMA एंटीबॉडी होती हैं, एंडोमाइसियल एंटीबॉडी, तो उनके डिटेक्शन से पता लग जाता है। फिर उसके बाद जो
मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो है ड्यूडिनल बायोप्सी, जो एंडोस्कोप है, एंडोस्कोप पीट में डाल के उसकी आंतों का टुकड़ा एक लेके ड्यूडिनम का एक टुकड़ा लेने से उसका पता लग जाता है। और प्रैक्टिकल तौर पे कैसे पता लग सकता है, जैसे मान लो कोई को पेट में बहुत सारे लक्षण हो रहे हैं, पेट खाना खाते ही उसको अफरा आता है, दर्द होता है, या लंबे टाइम से पेट ठीक नहीं हो रहा है, तो आप थोड़े दिन के लिए गेहूं को बंद करके देखें, या जो गेहूं से बनने वाले उत्पाद हैं उनको बंद कर दें। अगर पेट तुरंत ठीक हो जाता है तो समझो गेहूं की एलर्जी है। ये सिंपल एक घरेलू टेस्ट है कि गेहूं को थोड़े दिन के लिए खाने में नहीं लिया जाए, तो लक्षण, पेट के बहुत सारे लक्षण अपने आप ही खुद ही चले जाएंगे। फिर इसके बाद में इलाज क्या है इसका, अपन ने जाना ही लिया था कि गेहूं से एलर्जी है, तो अपन को पूरी ज़िंदगी भर जिनको ये बीमारी हो जाती है उसको गेहूं से बनी चीज़, गेहूं, जौ, राई और ओट, ये चीज़ नहीं खानी है। बाकी वो कुछ भी खा सकता है, जैसे चावल ले सकता है, मक्का ले सकता है, ज्वार ले सकता है, बाजरा ले सकता है, ऐसे भी से बनी हुई चीज़ें जो जिसमें ग्लूटेन नहीं होता है वो आसानी से ले सकता है, जिसमें ग्लूटेन है उसको नहीं लेना चाहिए। तो आज अपन ने ये जाना था कि किसी किसी को मान लो गेहूँ की सी एलर्जी होती है या पेट बहुत लंबे टाइम तक खराब रह जाता है, तो उसको विड्रॉल टेस्ट कहलाते हैं कि कुछ दिन के लिए मान लो गेहूँ नहीं लिया जाता है तो कुछ ही टाइम में परेशानी मिट जाती है। तो आज ऐसे करके अपन ने गेहूँ से होने वाली एलर्जी के बारे में जाना है, देखते हैं आपको उससे कितना फ़ायदा होता है। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू।